मोगा में बुधवार देर रात अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया का काफिला हादसे का शिकार हो गया। एक गाड़ी ट्रक से टकराते हुए ओवरब्रिज की रेलिंग से जा भिड़ी। इस हादसे में एक सीआईएसएफ जवान की मौत हो गई, वहीं 5 अन्य घायल बताए जा रहे हैं। हादसा उस वक्त हुआ जब लुधियाना के मुलापुर दाखा से मजीठिया गांव बादल जा रहे थे। मोगा में कोटकपुरा बाईपास पर उनके काफिले की एक इनोवा कार में सवार 5 लोग हादसे का शिकार हो गए। बुधवार रात करीब 1 बजे पूर्व मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया का काफिला लुधियाना के मुलापुर दाखा से पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के गांव बादल की ओर जा रहा था। मोगा में कोटकपुरा बाईपास रोड पर काफिले की एक एस्कॉर्ट कार तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आकर बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। गनीमत रही कि यह ओवरब्रिज की रेलिंग से टकराकर रुक गई, नहीं तो लगभग 50 फीट नीचे गिरती। हालांकि हादसे में बिक्रम सिंह मजीठिया की बुलेट प्रूफ कार ट्रक की चपेट में आने से बच गई। बताया जाता है कि हादसे की शिकार हुई इनोवा कार में 5 जवान सवार थे। इनमें से बिहार मूल के गुड्डू कुमार नामक सीआईएसएफ जवान की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसके 4 साथी विमल, भगवी विजय, गुरमेज सिंह, कमलकांत और धर्मेंद्र घायल हो गए। हादसे के बाद बिक्रम सिंह मजीठिया ने घायल जवानों को खुद ही नजदीक के डीएमसी अस्पताल में पहुंचाया।